हमारे टेस्ट करेंगे इनको। गाइस क्या बात है, जो बनाया था डोसा वो हमारे सामने, देखिए कितने छोटे छोटे पीसेज में इसको बनाया गया है, बढ़िया तरीके से गार्निश कर दिया है। ये देखिए, ये नारियल का चटनी है, थोड़ा पास ला के बताइए कैमरे को। ये जो नारियल का चटनी है बहुत अच्छा है, थिक चटनी है। और ये इनका सांभर है बढ़िया तरीके से, और ये जो है टमाटर और प्याज का चटनी भैया बता रहे थे जो है, हम टेस्ट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ टेस्ट में कैसा है। क्या बात है, ये मैं नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करूँगा, मुझे ज़्यादा पसंद नारियल की चटनी है इसलिए। सुपर टेस्ट है। हम लोग आए हैं पनीर मसाला डोसा पर, ये इनका जो है मेन्यू है, बहुत ही शानदार इनका स्टाइल है बनाने का, एक बार चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट, कैसा है बनाने के लिए। सिस्टर क्या क्या बना रहे हैं आप? पनीर मसाला, मैसूर मसाला, बटर मसाला और उत्तपम इडली है, फ्राइड इडली है, फ्राइड इडली है, उत्तपम है, पनीर मसाला है, बटर मसाला है। तो कौन सा खाना पसंद करेंगे आप? एक पनीर मसाला जो है हमारे लिए लगा दीजिए। हाँ जी, और आपका नाम बता दीजिए। महेश्वरी। महेश्वरी नाम है आपका। चलिए आप हमारे लिए पनीर वाला जो है डोसा है बना दीजिए एक बार। इसके ऊपर पहले पानी डालते हैं हम लोग। पानी क्यों डालते हैं? तवा में थोड़ा तेल वगैरह रहती है ना। अच्छा, उसको हटाने के लिए। अच्छा, इसीलिए उस पर पानी डालते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बैटर किस चीज़ का तैयार करते हैं? ये तो चावल का है, चावल का, उड़द की दाल। उड़द की दाल और चावल से बैटर तैयार कर दिया है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बढ़िया तरीके से फैला दिया है आपने इसको। लगभग कितना डोसा बनाते देते होंगे आप दिन में? दिन में तो शाम को लगाते हैं। हाँ, शाम को लगाते हो। शाम को तो 50 प्लेट हो जाता है। 50 प्लेट लगा देते हो, क्या बात है। और शाम को टाइमिंग क्या रहता है आपका? 5:30 बजे से लेकर के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर आपने ऑयल डाल दिया। ये प्याज आ गए हैं। और ये टमाटर भी आपने ले लिया है, क्या बात है। ये हरा धनिया है, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगता है इसको कम से कम बनने में? 5-10 मिनट लगता है बनने में, क्या बात है। ये आपके स्पेशल मसाले हैं मुझे लग रहा है। गाइज इसको 5-10 मिनट बनने में लगेगा, और जो दीदी बना रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये क्या डाल रहे हैं आप? मैसूर मसाला चटनी है। अच्छा, क्या बात है। और ये चटनी भी इसमें डाल दिया गया है। इनका स्टाइल बहुत ही अच्छा है बनाने का, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और शाम को 5:30 बजे से ये स्टार्ट कर देते हैं बनाना, और दिन भर में लगभग 50 प्लेट आराम से ये लोग बेच देते हैं। इनका जो स्टाइल है बहुत बढ़िया है, और जो इनका डोसा है वो भी बहुत बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा डोसा है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है बनते हुए, ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। क्या बात है, और ये पनीर ले लिया आपने बढ़िया तरीके से। हाय हाय, ये केचप है, सॉस है, ठीक है, और ये भी सॉस है। अच्छा, क्या बात है। तो ये जो इतना टाइम से इसके ऊपर हमने डोसा रखा हुआ है, तो ये जलेगा नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। अच्छा, क्या बात है। अरे भैया ने इधर लाइट भी जला दिया है, थोड़ा रोशनी और तेज़ हो गया है। बढ़िया तरीके से देखो इसको मिक्स कर दिया गया है और फैला दिया है दीदी ने यहाँ पर।
अरे वाह, देखिए कितना शानदार लग रहा है। साथ में आप इडली और सांभर भी रखते हैं? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, इडली सांभर भी है, पनीर डोसा भी है, और भी बहुत सारी वैरायटी इनके पास में यहाँ पर है। मेन्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, वो सब कुछ इनके पास मिलेगा इधर। ये लोकेशन है, ये स्टेचू सर्किल के पास है, स्टेचू सर्किल के पास जो रोड है जयपुर में, वहीं की लोकेशन है। ये जो डोसा है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा डोसा है, और बढ़िया तरीके से इसको फैला दिया है, मिक्स कर दिया है सिस्टर ने। और ये दो, इसके ऊपर हरा धनिया, अरे वाह क्या बात है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बड़ा है डोसा, बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। इसको अब क्या करेंगे, कट करेंगे? अच्छा, बीच में से देखिए इसको कट कर रहे हैं, क्या बात है। चार पीसेस में इसको कट कर दिया, फोर पीसेस में कट हो चुका है ये, और भी करेंगे, अरे वाह। छः पीसेस में काट रहे हैं, देखिए छः भी हो गए, और उसके बाद ये देखिए दो और कर दिए, आठ पीसेस में इसको डाल दिया है, कट कर दिया है, क्या बात है। अब जो है हमारी प्लेट लगने जा रही है, भैया हमारी प्लेट लगा रहे हैं, अरे वाह, इसका रोल बना रहे हैं, क्या बात है। सिंगल सिंगल जो है रोल बन रहे हैं। पर प्लेट कितना रहता है सिस्टर इसका, एक प्लेट का कितना कॉस्ट रहता है? हाँ, कितने पैसे का है एक प्लेट? 90 रुपये का है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वर्थ है 90 रुपये में। आपको 8 पीसेस करके यहाँ पर दिए जा रहे हैं प्लेट के अंदर, और देखिए कुछ इस तरह से रोल कर रहे हैं सिस्टर इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रोल कर रहे हैं। आपने बताया जैसे आप 2 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए बढ़िया तरीके से सारे पीसेस जो है ऐसे इस तरह से रोल करके आएंगे। आपने डोसा तो खाया होगा गाइस, लेकिन ऐसा डोसा मेरे ख्याल से आपने शायद ही कभी खाया हो, क्योंकि हमने कभी वो एक साथ बड़ा डोसा जो होता है वही खाया है, लेकिन ये छोटे छोटे रोल करके जो डोसा दिया जा रहा है, कितना बढ़िया स्टाइल में, इसका एक शानदार ही टेस्ट आने वाला है मुझे लग रहा है। एक बार टेस्ट करके मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, क्या बात है। और ये देखिए गार्निशिंग के लिए जो है पनीर डाला जा रहा है, क्या बात है, हाय हाय हाय, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर से भी पनीर डाल दिया गया है, क्या बात है। देखिए ध्यान से कितना शानदार लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। और इसमें क्या डालने वाला है, सांभर डालने वाले? चटनी सांभर, एक बार वो भी देख लेते हैं भैया का, चटनी सांभर, ये नारियल का चटनी है, एक सेकेंड, ये फेमस है इडली डोसा, इडली डोसा के लिए यही चटनी फेमस है, डाल लीजिए भैया, नारियल का चटनी ले लेते हैं। ये आ गया नारियल का चटनी, क्या बात है। टमाटर प्याज का है, हाँ ये टमाटर और प्याज का चटनी है, हाँ। ये भी आ गया है, ये लोग चटनी और आ गया, जो भैया ने देखो चटनी भी डाल लिया है यहाँ पर। और ये क्या है भैया? ये सांभर है, ये सांभर है, हाँ। सांभर दिखा दीजिए, आपका सांभर कैसा है भैया? अरे वाह, सांभर बहुत बढ़िया। इस सांभर में क्या क्या डालते हैं भैया? ये भी इसमें लौकी, लौकी है, कद्दू है, कद्दू है, और फिर दाल है, दाल भी है, फिर इमली का पानी भी होगा, वो इमली का पानी डालता हूँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धनिया पत्ता, बढ़िया बढ़िया, निकाल लीजिए। ये देखिए सांभर भी बनकर तैयार है, ये जो फाइनल हमारा प्लेट है गाइस, ये बनकर रेडी हो चुका है, और भैया यहाँ पर चम्मच लगाने जा रहे हैं। और ये 90 रुपीज़ का प्लेट है, देखिए वर्थ है, बहुत ही शानदार भैया यहाँ पर, क्या बात है। ले लीजिए प्रदीप भाई, पकड़ लीजिए, चलिए हम टेस्ट करके रिव्यू बताते हैं कैसा है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। इन्होंने डोसा बनाया है, ये बहुत ही शानदार है, वाकई में बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे डोसा खाए हैं, हाँ, लेकिन ऐसा डोसा सच में कभी नहीं खाया। बहुत ही अच्छा दीदी ने डोसा बनाया है, जो इनका स्टाइल है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो ये डोसा है ये बहुत हेल्दी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उड़द की दाल है, चावल का पेस्ट और उड़द की दाल का पेस्ट है, पनीर इसके अंदर है, हाँ, टमाटर है, और जो इन्होंने ये सांभर दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा इधर कैमरा क्लोज करके, ये जो सांभर है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें लौकी है, दाल है, और भी कुछ उन्होंने बताया था, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, कद्दू भी है शायद इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियों का इसमें फ्लेवर है, और बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आओ, ट्राई करो, डोसा खाओ, और हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी खाओ,
क्योंकि जब आप हेल्दी खाएंगे तभी हेल्दी रहेंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे जो बाइट है मैंने ले लिया है, क्या बात है, बहुत बड़ा बाइट मैंने यहाँ पर लिया है इसका। थोड़ा सा इसके ऊपर हम नारियल का चटनी भी ले लेंगे, क्या बात है, बढ़िया तरीके से चम्मच से हम ले रहे हैं। टेस्ट बहुत शानदार है, थैंक यू सो मच।